सीक्वेंस एंड सीरीज में एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें वल्गर फ्रैक्शंस जो के डील करती हैं उन नंबर्स के साथ के जिनका डेसिमल पार्ट जो है जिसमें रिपीटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास। इसमें पहला केस है कि जिसमें व्हेन ऑल द डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर रिपीटिंग, यानी हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है जो कि नंबर के राइट साइड के ऊपर है उसमें जितने भी डिजिट हैं वो रिपीट करते हैं, चाहे वो 3 हैं 4 हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं टिल इन्फिनिटी। तो इस केस में वल्गर फ्रैक्शन से हम उसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका तरीकेकार ये है कि इन दिस केस इन द डिनोमिनेटर ऑफ द वल्गर फ्रैक्शन द नंबर ऑफ नाइन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स एंड न्यूमरेटर इज एक्चुअली द कंप्लीट गिवन नंबर विदाउट डेसिमल माइनस द नंबर बिफोर द डेसिमल। ठीक है, इसको समझते हैं हम। ये जो बात अभी मैंने की है कि क्या है कि अगर हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन इज 2.342, अब हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो रिपीट हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं, 342 342 342। तो हमने सिंपली ये करना है कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ नाइन्स जो है वो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स के बराबर है, यानी यहां पर हमारे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नाइन्स हैं वो 3 आ गए। अब हमने नंबर लिखा 2342, हमने डेसिमल पार्ट को इसमें से निकाल दिया और हमने इसे डिवाइड कर दिया 999 से, और अब हमने इसमें से माइनस क्या करना है, हमने माइनस करना है डेसिमल पार्ट के लेफ्ट वाला पार्ट, तो जो कि 2 है। तो ये हमारे पास को अब जब सॉल्व करेंगे तो 2340 जो है ये हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन बन जाएगा 2.342 का। तो ये बड़ा सिंपल है केस 1। एक और एग्जांपल अगर इसकी देखें तो ये है 13.4235। हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 4, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने 9 आ गए, 4 9 आ गए। अब हमने बगैर डेसिमल के यहां पर नंबर लिखा और माइनस क्या किया, हमने माइनस किया जो कि डेसिमल की लेफ्ट साइड में हमारा पूरा नंबर था वो हमने यहां पर लिख दिया, तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। तीसरी एग्जांपल क्या है, 0.271 में भी अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमने पूरा नंबर लिखा विदाउट द डेसिमल, ये हमने पूरा लिखा, डिवाइड कितने 9 से होगा, 3 9 हमारे पास है जो कि हमारे पास 4 जो है वो इसमें 3 हमारे पास 9 है यहाँ पे, सॉरी गलती से लिखा गया है, और माइनस हमने क्या करना है, यहां हमने माइनस करना है जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। तो ये जो है ये हमारे पास केस 1 था कि जिसमें हमारे पास ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर रिपीटिंग, यानी सारे डिजिट्स जो हैं डेसिमल पार्ट में वो रिपीट हो रहे हैं, यानी 342 हमारे पास जो बेसिक वो था वो हमारे पास बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये इस केस को वल्गर फ्रैक्शन में लिखने का दिस इज द मेथड। दूसरा जो केस है वो है कि व्हेन ऑल डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, अब हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है इसमें जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं नंबर वो सारे नहीं है जो कि डेसिमल पार्ट है। जैसे कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास 4 डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं या 3 रिपीट हो रहे हैं जो है, लेकिन हमारे पास सारे के सारे रिपीट नहीं हो रहे जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस इन द डिनोमिनेटर ऑफ द वल्गर फ्रैक्शन द नंबर ऑफ नाइन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स एंड आफ्टर नाइन्स वी पुट जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। The numerator is the whole given value, is the whole given number without decimal minus the number before the repeating digits. यानी इसमें basically 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले यह है कि आपका जो number है, जैसे यहां पर example से अगर हम समझें 2.1341, अब इसमें 341 जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो पहली चीज आएगी वो ये आएगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नाइन्स हैं इन द डिनोमिनेटर वो होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, यानी 341 क्योंकि यहां पे था तो हमारे पास 3 9 आ गए। फिर उसमें ये है कि हमारे पास इसके साथ हम 9 के साथ 0 लगाएंगे। अब 0 हमने कितने लगाने हैं, 0 हमने लगाने हैं कि डेसिमल पार्ट में जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है, अगर हमारे पास यहां पर नॉन रिपीटिंग डिजिट 1 है तो 1 0 हमने लगा दिया, ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज ये होगी कि हमने पूरे नंबर को विदाउट द डेसिमल हमने लिखना है और माइनस अब हमने वो वाला पार्ट करना है जो कि नॉन रिपीटिंग है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट पे है तो चाहे वो डेसिमल के राइट पे है। तो इस केस में हमारे पास ये हमने यहां पे लिखा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम ये एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास 0.021, अब इसमें 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ जो है वो नाइंस कितने हैं, वो है जितना हमारे पास रिपीटिंग है, तो ये एक है। उसके बाद हमें जीरोस कितने लगाने हैं, हमारे पास दो नॉन रिपीटिंग पार्ट्स हैं डेसिमल के, तो वो हमने दो नंबर ऑफ जीरोस दो लगा दिए। ऊपर हमने पूरा नंबर लिखा और माइनस हमने वो पूरा नंबर उसमें से किया कि जो कि नॉन रिपीटिंग है, तो ये हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन आए। तो वल्गर फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास ये दोनों केसेस आए तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है, ये आपको ये टिप और ट्रिक जो है ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं जी के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड इसकी इंपॉर्टेंस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये टॉपिक जो है आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें इसमें आते हैं, उसमें हमें ये कहा जा सकता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू नंबर, यानी हमें दो नंबर गिवन है और हमें कहा जाएगा कि इसका डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन निकालें, यानी पहले आप नंबर से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और फिर आप इन दोनों को माइनस करेंगे। ये एक आपको एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर्स व्हेन देयर प्रोडक्ट एंड सम आर गिवन। आपको एक प्रोडक्ट दे दिया गया और आपको एक सम दे दिया गया और अब आपको ये कहा जाएगा कि आप इसमें से नंबर्स को फाइंड करें, तो ये दो इक्वेशंस और दो अननोन वाला हम यूज कर सकते हैं, ये एक इसमें एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपको कहा जाएगा फाइंड एनी nth टर्म इन गिवन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी nth टर्म जो है वो फाइंड करें। बाज दफा आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सीक्वेंस है। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ एनी n टर्म्स ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। हमें सम जो है वो किसी भी सीक्वेंस एक हमें गिवन है और हमें कहा जाएगा कि इसका n टर्म्स का जो है वो आपने सम फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। फाइंड द nth टर्म व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन, यानी जैसे हमें जो है वो फर्स्ट टर्म गिवन हो और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन हो और हमें कहा जाए कि इसकी nth टर्म कोई सी भी एक टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है, तो दिस कुड बी अ क्वेश्चन। और फिर हमें हार्मोनिक मीन बिटवीन गिवन नंबर्स जो है ये हमें फाइंड करने का मिल सकता है। तो ये पांच छह टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको एंट्री टेस्ट में आपको जो है वो मिलेंगे, और अब हम इनको एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि कौन सा फार्मूला कौन सी ट्रिक जो है वो हमने इसमें फाइंड करनी है। वल्गर फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आपको वल्गर फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आपको एक फंक्शन, आपको जस्ट एक वैल्यू गिवन है, लेट्स से 2.334 और इसमें कहा जाएगा कि जी 3-4 जो है रिपीट हो रहा है और इसकी जो है वो वैल्यू निकाले, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एंट्री टेस्ट के एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है।